दरूदे शरीफ जी तशरी करदा कमा सर लैता ते पहुँच गए। ऐ अल्लाह अपने सारे असमाए हुसना दे वास्ते नाल रसूले करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल ते रहमतां फरमा, उन्होंने दर्जे बुलंद कर, दुनिया जी उन्हों का बोल बाला हो, आखरत जी उन्होंने अजमत और शान लोगों के सामने उदा इजहार हो। तो हुण बात आ गई कमा सल्ला तआला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम। कमा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी जुबान के अंदर बहुत हुसन है। जुबान ऐसी है इहदियां खूबियां दा अहाता नहीं आदमी कर सकता, भी जिहड़ी गल्लां बेशुमार दफ्तरां च लिखियां जांदियां ने इहदे हर्फ से बंद हो जांदे। कमा ऐ मेरे सामने ऐसे मुगनिल लबी बन कुतुब आरी तालीफ उल इमाम अबी मोहम्मद अब्दुल्ला जमालुद्दीन बिन यूसुफ बिन अहमद बिन अब्दुल्ला बिन शाम अंसारी अल मिस्री अल मुस्तफा 761 761 हिजरी के इमाम फौत है जमालुद्दीन बिन शाम मुगनिल लबी। इन्हें दो जल्दों से किताब लिखती भी अरबी जुबान का जोड़ा हरफ है वा बे काफ दूजे की माने किन्या माना चाहूँगा। और उन्हें मिसाल कुराने पाक से पहला कोश की दिखा जा हदीसे रसूल अलैहि सलाम तो दिखा जा अरबी के अशार तो दिखा जा। तो कमा के बारे च भी लिखता भी ये कमा जरा यह समझो 176 सफा शुरू और अगर चलता कि अल काफुल मुफरदा जारा वगैरह वल जारा हरफों इस कला ही काफ जरा ये अरबी जुबान से जारा भी है कि जिले नाल लग जाता अगले जेर देता का मिसले ही मिसल दे लाम ते जेर है जारा इदा कम जेर देना। और कुछ ऐसे भी है जो जेर नहीं देते वर जारा तो हरफों का इसम और ये जेर देने वाला जब काफ है इन्हों चो कई हरफ होंगे कई इसम होंगे वल हरफ और लहू खमसत मान और जो ये हरफ हों ना तो जेर देता पांच मान ये होंगे आह दो तशबी नहब जैद उन कर असर एक तशबी होंगी है मिसाल देनी कि जिस तरह आए उस तरह फराज है जैसे कह दे जैद उन कल असदे एक काफ ने असद दे दाल नू जेर भी दिती और माना भी तशबी का कि जैद शेर की तरह है शेर नालों की तशबी दिती कि जिदा का शेर है दलेर बहादुर जैद उदा का वसा ने तालील। दूसरा माना जोड़ा है वह तशबी नहीं होंदा वह तालील होंदा है वजह बयान करनी क्योंकि जे माने पहला जैसे है ये क्योंकि असबत अजालिक कौमन कई अरब लोगों ने इन भी साबित किया कि दीन से या अरबी जबान ये लिए आता क्योंकि माने व नफा और अक्सरों ज्यादा ने इनकार किया बने ये माना नहीं आता व कई अरबाज मजवाद मेहनत कुल का मकफू फतम बेमा कह कह दसीब है बाद ने आख्या आंदा जरूर है मगर कला नहीं अगे माँ लगा होना चाहिए कमा की तरह ये सीबे ने जैसे क्या कमा अन्नौला यारम फता जा बदल लाण क्योंकि वह इलम ही रखता जाहिल है बेखबर है इस तो अल्लाह ने उन्होंने माफ़ करता आंदा कमा लगा निरा काफनी मीन वल हको जवाज फिर मुजरद ने माँ नह ये उन्हें माम जमारुद्दीन आता कि नहीं हक यह है बे माँ होवे ना होवे काफ जरा है तालीली क्योंकि दे माने चाहूँगा जैसे कि कुरान मजीद के नह वह कन नहू ला युफल का फिर ऐ आज फलाहम इतने कान ना हो अगे माँ कोई नहीं मगर माँ ना तिल लगता कि मैनू हैरानी है क्योंकि ये लोग काफिर जो हैं ये कामयाब नहीं इन्हों की ना कामयाबी से ताजुब है इस वजह से मैं हैरान हूँ व फिर मकरोना तो ज्यादा तो एक माफिल मिसाल तो जे माँ ना लगा भी हो तो उत्थे भी आता जैसे कि मिसाल जी सी पहला सीबे की कमा अन्न उलायान पता जावजल बाबे मल मस्तरी है थी और कई माँ नाल जरा लगा हों मस्तरी हों जैमें जैमें कुरान पाक चाहता कमा अरसलना फीकुम इलाखर सूरा बकरा दिया है देखो कुरान के जरिए एक हफ्ते किमें बहस हो रही है कि इतने जैसे जूसे का माना नहीं क्यों दा क्योंकि दा माना क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दरम्यान रसूल भेजा हिदायत देने क्योंकि काल अखफश अजल इरसाली फीकुम रसूल मिनकुम फज़कुरू नहीं माना यह होया जैसे जूसे नहीं अक्सर ये कहता सर फी मैंने तुम्हें चूंकि रसूल भेजा है मेरे इस रसूल भेजने की वजह से मुझे याद करो
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕੌਰੇ ਤਾਲਾ ਵਸ ਕਰੂ ਹੋ ਕਮਾ ਹਦਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਤ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਮਾ ਹਦੈਤ ਹਦਾਕੁਮ, ਇੱਥੇ ਜੈਸੇ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕਰ ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ, ਕਿ ਤਸ਼ਬੀਹ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਲਾਤਾ ਦੇ ਦੋ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਉਸਕੀ ਆਲ ਪਰ। ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੁਤਬਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਲਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਲੀਏ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸਈਦ ਬੁਲਦ ਆਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਆਦਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਦਨਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਖਾਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਬੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਮਸਾਇਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਮਾ ਸੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਲੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲ। ਇਸ ਤਸ਼ਬੀਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਬਾ ਬਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮਿਸਾਲ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਆਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਦ ਮਿਸਾਲ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਆਲ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਆਪ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਲੀ ਲੜਾ ਕਿ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲ ਪਰਮ ਕੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਲਾ ਯਦਨਾ ਨਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਏ ਬਦਰ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਤਾਲੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ। ਤਾਲੀਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਮਾਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਗਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਆਲ ਪਰ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰ, ਵੈਸੀ ਤੂੰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਉਸਕੀ ਆਲ ਪਰ ਕੀ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੀ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪਰ ਔਰ ਉਨਕੀ ਆਲ ਪਰ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਔਰ ਉਨਕੀ ਆਲ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲ ਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਜੱਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰੂਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਤੇ ਮੁਸਤਮਰਾ ਤੇਰਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜੋ, ਕਮਾ ਸੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਐਸੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਉਸਕੀ ਆਲ ਪਰ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲ ਆਦਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਆਏ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਾਰੇ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ, ਇਸਹਾਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ, ਭਤੀਜਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫੈਲ।
दुनिया का कोई खिता जिते कोई नबियां नूं मनण वाली जमात ना यहूद आ या नसारा या मुसलमान जिहड़ा पैगंबरां नूं मनदा ना कि वही आउंदी इब्राहिम अलैहि सलाम तो इनकारी नहीं होर किसे नूं मने ना मने इब्राहिम अलैहि सलाम ने इन्नी जाए लोक नास है मामा सब मन साडा सरदार है साडा भाई यहूद कहते थे कि इब्राहिम यहूदी है नसारे आंदे साडे चो मुसलमान अपना आख्या कि साडी मिलत इब्राहिम अलैहि सलाम एक ऐसी शख्सियत है जिन्हों हर कोई अपनाउण की कोशिश करता जिहाद भी ऐसा किया उदा का जिहाद शायद ही कोई करे अदा दीन लिए जो कुरबानियां दित्तियां जिस मुल्क पैदा हुआ है बाबिल के अंदर इराक कुफर ही कुफर बाप बड़ा महंत और यह नहीं बुत बना के गलियां ले रहे बेवकूफ लोगों की गल आदर उस नमरूद तो थले जिहड़ा दर्जा सी स्टेट के अंदर चीफ सैकटरी ऑफ द स्टेट पूरा मुल्क उहदे हाथ सी वह इब्राहिम अलैहि सलाम का बाप उहदे हुक्म से सारे काम हो रहे थे और मंदिर जिहड़ा सी उहदे नाल इन्ने समझो कमरे से दफ्तर ही दफ्तर इत्थे आ नियाज जमे हो रही इत्थे दौलत इकट्ठी हो रही सारी दुनिया तो वड्डा नन्नार देवता का मंदिर सारे जहान के चढ़ावे उत्ते आउंदे इस ते इब्राहिम अलैहि सलाम ते अगर बाप दे तरीके से चलिया रहिंदा हक नूं ना मनदा ते सारी उम्र काम भी ना करदा बह के खांदा ते गद्दी उहदी ऐसी सी भी लोग पैर चुमदे मगर उहने दीन वास्ते हर शान ठोकर मार कि अब्बा जी ना इस गद्दी चाहीदी ते ना तुहानूं मैं मन्ना ते ना बादशाह दा मैनूं डर इस ते इब्राहिम अलैहि सलाम नूं जिहड़ा कुरान दा हनीफा हर पासों मुँह मुड़ के रब दा हो गया सी कोई छोटा जिहा खिताब है बड़ी औखी मंदर है कि हर पासों मुँह फेर लिया कि लोग मैनू की आँदे मौलवी की फतवे देंदे पादरी की आँदे किसी गल नहीं सुनी बस अल्लाह का हो गया हनीफ मुसलिमा अमा खाना मेरा मुशरक एक रब का बन गया तो सामने अपने आप को हवाले करता तो शिरक करने वाले तो बिल्कुल ऐलान है बेजारी करना शिरक लोग इन्ना ही समझे कब्र नूं सजदा ना करो बुत नूं हर मुफाद जिहड़ा है खुदा के रस्ते तो रोकना कि लोग मेरे हाथ चवन मैनू हजरत साहब कहन मेरी कोई आमदनी होवे मैं शेख उल हदीस हो जा सारे बुत सब शिरक है मुहिदो खालिस मोमिन जिहड़ा आंदा कि सारी दुनिया नाराज होए ना क्या गम है अगर सारा जमाना है मुखालिफ काफ़ी है अगर ये खुदा मेरे लिए ये बड़ा उच्चा दर्जा ला इला इल्लल्लाह एवें अल्लाह दा रसूल आंदा अलैहि सलातु वसलाम जिन्हें ला इला कह लो जन्नत दाखिल हो जाना ला इला मुँह ना आया तो अमर फेंकना उस बंदे ने भाई सारी दुनिया के खिलाफ बगावत करती है ना खानदान ना बरादरी ना मुल्क ना हुकूमत किसी को मैं नहीं मनना मैं सिर्फ अल्लाह की गल मनी सारी दुनिया का बागी मैं बागी हूँ फिर वो किताब लिखता हाँ मैं बागी हूँ ऐसा हो जाना योजे बागी ने दुनिया बर्दाश्त कर या 5 साल जेल बेचारा मरदा या फांसियां लटक जाना इस तो बगावत का ऐलान ला इल्लल्लाह कि कोई खुदा तो सवाल नहीं मेरे सामने मेरा एक ही टारगेट है एक ही नसब लैन है कि अल्लाह राजी हो जाए इस तो इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र सारे नबियों को छड़ के दरूद क्यों किया ना इब्राहिम अलैहि सलाम किसी ने एडी टक्कर ली कुफर ना सारे जानना इराक टक्कर ली फिर मिस्र चला गया फिर फलस्तीन चला गया फिर हिजाज चला गया ए उस माने तुसी ए लाइना मिला के वेखो जे सफर ही इन्ना पैदल ते धक्के खाना रेत ते रेगिस्तान ना कोई समझो सड़कां ना कोई सहूलत मगर अल्लाह दे दीन लई दर बदर फिरदा रहा और हर जगह मुखालफत हुई दुनिया ने दुख दिते सब कुछ उन्हें किया और 86 साल की उम्र तुसी जानदे जे कि जदों अल्लाह दे बंदे ने दुआ मंगी रब अगे कि अल्लाह बुत प्रस्तान के घर जड़े वो आबाद है उत्थे बच्चे आ वो खुश है मगर तेनू मन 86 साल हो गया कि बीवी सारा नाल है हुण दूसरी भी आ गई हाजरा औलाद नहीं हुई महरूम फिर रहा रब हबली मिन सवाले मैनू भी कुछ तंदुरुस्त नेक बच्चा दे हुक्म हो गया जा बच्चा देता ते बच्चा हो गया दौड़न की उम्र पहुँचा फलमा बलगा माहिया अगे ना भी औखा इम्तिहान आ गया अग चों बच के आ गया इज्जत लुटी चली मिसर सारे मगर अखीर हो गई अल्लाह पाक ने जो बच्चा दौड़न भजन लग पाया 13 साल का ख्वाब च विखा दिता बे बच्चे छुरी फेर दे सवेरे ही आख्या बेटा मैं तो ख्वाब ता देखा बेटे ने नहीं आख्या बा वहम ख्याल है कोई अकल कर जवान पुत्र मार देन लगा उन्हें आख्या बेटा इब्राहिम अलैहि सलाम ने उन्होंने क्यों पूछया उन्होंने पूछा बगैर भी छुरी फेर देनी थी बेटा ना करता नहीं तभी उन्हें हटना कोई नहीं मगर उन्हें वेख्या भी वाकई वो बच्चा रब ने दिता जो मैं मंगया सी नेक या मेरा पोती जम पिया बेटे ने जो साथ मन ने आखा या बते फरमातो अमर सत्ता जे दुनिया इंशाअल्लाह मैं अब्बा जी कर दो जो हुक्म तुहानूं हुक्म क्या उन्हें ख्वाब नहीं आख्या यानी पैगंबर के घर जमण वाले पुत नूं ही पता जिहड़े नबी हुंदे ना बाप सुपने नहीं वेंदे वह जागदियां जो को वेंदे इदां ही उन्हां दा ख्वाब च वेखना इक्को जिहा हाल हुंदा उन्हां दा उन्हां नूं कोई वहम ख्याल हुंदा ही नहीं
अल्लाह के चुने बंदे होंगे, सारे इम्तिहान दिते मगर अल्लाह तो नहीं हटे। इस तरह अल्लाह तआला फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुहाड़ी नमूना रसूल करीम ने भी हुक्म होया कि इब्राहिम की मिलत की पैरवी करो, जिस राह से चलिया ना जिदा दीन लिए दुख उठाए तो किसी शायद की परवाह नहीं की, रब का होकर रहा ओदा मत। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, हुण की है हुण भी कोई इब्राहिम चाहिए, ये नहीं पैगंबर मसल मत उस तरह का होना चाहिए जरा फैसला करके निकले भाई जो होना होंगे फिर मैं अल्लाह दीन का झंडा चुक रहा। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अखबार आते बुत खाना बन चुका तूने, कोई कुर्सियां का भुखा, कोई दौलत मगर पै गया, कोई औरत मगर पै गया, की क्यामत आई हुई, कोई है खुदा नू लभण वाला। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, हुण भी जमाना ढूंढता भी यार उदा का कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, सारी दुनिया बेईमान हो एक उठा सारी दुनिया ने ललकारिया, तद क्या भाई पैगंबर सारे होए तो चंगे होए, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा तौहीद दा इमान है, रईस अल खुलफा जरा ना भाई रब दे जड़े हो गए उन्होंने सरदार वह खवाण का हकदार, बाद सारे वो शाखा वह सिलसिला काम उतो चल। और तदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद किसी की औलाद चो नबी नहीं होया, पहला होंदे रहे मुल्कां च, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे आ जाने तो बाद और इमाम बन जाने तो बाद जिन्हें जमे हैं भावें इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद चो जमे या इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो जमे या मदीन की औलाद चो जमे, बेटे पोते सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे। अल्लाह ने आख्या हुण इहदी नसल जी मैनूं बबूतर किताब रखती है, ये मेरा बन गया, इस तो मैं इहदा हो चुका। तद दरूद शरीफ से हवाला दिता भाई रहमत भेज पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और आप दी आल ते, जिस तरह तू रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल ते, या क्योंकि तूने रहमत भेजी थी इब्राहिम उत्थे भी की, हुण भी कर दे जैसे मनीए ना उस तरह की रहमत कर जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल ते की। फिर दो हल ऐडा वड्डा खुतबा कि मशरक मगरब फैला दो, मेरे मर जाने का पता कोई नहीं, मगर ये ढूंढिया नहीं गलां लभनियां, इन्हां दा ये वक्त टपाओ आके खुतबे दे के बल्ले बल्ले करा गए, दीन की बुनियाद समझाओ कि दीन की है। इस तो जदों ऐसे इन तशबीह ही मनने कि उदा की रहमत कर जिन्हां दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उहदी हालत की, तो फिर वह तो गल नहीं हो सकती रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चलो तो तय रसूल करीम अलैहिस्सलाम उन्होंने तो आला, फिर वो रहमत कि जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई है कि असं आप जी और आप दी आल ली मंगे जी अजे नहीं हासिल हुई, बिल्कुल नहीं आपू हो रही, होर सारे इनाम मिले वो नहीं अजे मिले। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा इनाम मिलया पूरे नबियों चो जो मैं इशारा कर चुका कबूलीयत आमा कि हर कलमा को जरा नबियों मन वाला उन्हें सरदार मने वह अदब करे एहतराम करे, ये नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कोई मनता कोई नहीं मनता, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदा एक झूठा रसूलों ये दोवें उमतानियाँ झूठियाँ, इन्हों कबूलीयत आम नहीं हासिल, बिल्कुल उदा का नहीं मनिया सारी उम्मत ने जिदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर चुका, यह इनाम सिर्फ उन्होंने हासिल। तब जो असी दुआ करने कर ला साढ़े नबी और आल में भी उदा ही मकबूल बना दे, माना की निकलता कर ला सारे नबियों की उम्मत तौफीक दे के रसूल करीम ने मन लें, जिमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम मन दियाँ उदा ही मनन लग पे झंडे हट, ये हजूर के फैद में आम करने की दुआ है। इब्राहिम जैसी रहमत जी हुए है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह तू शरफ बख्शिया और उत्ते खास इनाम होया कि हर वही मन वाला अल्लाह की किताबों मन वाली उम्मत जिन्या ना होना एक भी नहीं जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन करे। रसूलों के बैदब से कई हरामदादे तो यूरोप का मुंडा किताबा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ तब जिसने दुआ करी दी है बिल्कुल जैसी जी मानत भी ठीक है तशबीली भी ठीक है तो उदा की रहमत कर दे जिमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर करती तो सारी दुनिया के जड़े ना ईमानदार लोग जो अल्लाह मनते उन्होंने मनते साढ़े नबी भी ऐसा कर दे यहूदी भी मुसलमान हो जाए नसरानी भी हो जाए हिंदू भी हो जाए सारा अल्लाह तौफीक दे दे कि जिमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहतराम कर दे ताज़ीम कर दे रसूलों को मन यानी दीन के दुनिया च फैल जाने की तमन्ना है कि अल्लाह फैज आम हो जाए यह सिर्फ मुसलमाना को ना रवे पूरी दुनिया के लोग कबूल किड्डी वड्डी दुआ लफज नहीं मुक गई हुण वेखना है भी यह दुआ ही है ये वाकई साढ़े अरमान है दिलों साड़ी दुआ तो बंदा तड़फदा बिल्कुल आंदा भी मिलनी चाहिए एवं जो सरसरी हुंदा नमाज बाद एक आदि दुआ दुआ वह होंगी जिन्हों समझते किसी नूं लगी है ना पैरों थले सहक बच्चा मरन रहा दुआ मन ला शिफा दिलों और भजा फिर हकीम साहब को चलीए डॉक्टर को चलीए ऑपरेशन कराइए वह बह जाता फिर बे वाकई ये दुआ साड़ी दिलों कि अल्लाह रसूल करीम अलैहिस्सलाम के झंडे पूरी दुनिया में लहराना चाहिए दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे बिल्कुल रोशनियाँ रोशनी तो फिर ये कोशिश हैगी है और जड़िया तहरीक जमात कुछ कर दी अल्लाह तला उनकी होर मदद करे कुछ ना कुछ खपरया ना
ਤੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਭਰਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰੂਸ਼ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ ਅਮਦਰੂਦ ਅਦ ਖਦਾਲਤ ਤਾਮਨੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰੂਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਰੂਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ ਵਰ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਹਯਾ ਕਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਪਰਦਗੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਘਰ ਮੁਸੀਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਪਈ ਜੂਏ ਚੱਲ ਪਏ ਸੂਦ ਚੱਲ ਪਏ ਉਲਮਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਕਦ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਰੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ 11 ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ 10 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 11 ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਤੀ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀਓਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਰੋ ਰਹਿ ਰਹੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛੀ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਦੀਨਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਹਾਂ ਹਾਫਜ਼ਾ ਔਲਾਦ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੀਖੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਨਸਰ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਵਖਦ ਉਲ ਕਫਰਤ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਿਲ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਲਕ ਚਾਮ ਕਰਤੀ ਜਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਚਾਰੀ ਉਸਤਾਨੀ ਆਈ ਬੜੀ ਨੇਕ ਦੀਨਦਾਰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਕਹਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਗਈ ਹਜ ਉਮਰੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਖਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਜਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਦੌੜ ਆਈ ਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਥਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਮਾ ਸੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਯਾਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਕ 'ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਮਤਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਰੂਸ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਦਰੂਸ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਦਰੂਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਆ 'ਚ ਸੱਚੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਖੱਪ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿੜੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਛਿੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਗੱਲ ਛੁੜੇ ਹੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਲ ਕੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਮਾਇਲ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਦੀਨ ਵੱਲ ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਾਬਿਤ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾਓ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਦੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਗਰਾ ਕਰਫਨਾ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੀਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਥਾ ਅਰਬ ਸੇ ਵਾਜ ਪਰਦੇਸ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਰਾਬਾ ਹਾਲੀ ਉਸ ਮਾਨੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਰਦੇਸ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੀਨ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੰਗੇ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਐਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਮਾਲ ਲਿਆਓ ਵਕਤ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਵਲ ਅਫਸਾਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਤਫਸੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਦਰੂਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते होई रहमत होई सी ना कि वो दुनिया वजाल नाल हम लिसाना सिद्क ना लिया। अल्लाह फरमाउंदा मैं जदों ने मेरे को दुआ मंगी बदल ली लिसाना सिद्क फिर आखिरीन ऐ अल्लाह जिहड़े बाद जाण वाली नसलां उन्हां मेरा जिक्र खैर बुलंद कर बस क्यामत तक हुण लोग मैनू भुला ना सकन। हर जगह इब्राहिम दे चर्चे हुण अल्लाह ने सुन ली क्या मैं देती उन्हों लिसाना सिद्क ना लिया रसूल अल्लाह यो मंगदे इस तो जदवान जैसी रहमत दे तशबीली है ये होर मरतबे आप दे बड़े उच्चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत थले आ मगर आ नहीं है जे कम दुनिया च आप ली हासिल है बिल्कुल उदा की मकबूलीत आमा और सारी उम्मतां दे दिल च एहतराम नहीं हो सके। इस तो मोमिन तड़पदा के ला आवे ये वक्त सारी दुनिया चानण हो जाए और उम्मतां आके हजूर दे दरवाजे ते डिग पै इस्लाम लै। और दूसरा माना जिहड़ा इहदे तों भी बहुत नाजुक और बारीक है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ते और आप दी आल ते दरूद बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे इन्हां दे कम दी गल इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल ते मैन हैसुल मजमू कल्ला नहीं वेखना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुदा दे रसूल फिर वाकई हजूर उच्चे फिर नहीं इस दुआत को तो मगर मिला के इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल इन्हू एज ए होल करो कट्ठे और बाद जिहड़ा रसूल करीम और आप दी आल इन्हें एक पासे करो फिर वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल ते जिहड़ी रहमत है वह वड्डी है। वो की वड्डी है कि उन्होंने अंदर अल्लाह ने नबी पैदा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल च नबी और रसूल होए बहुत होए कुल्ला मा माता नबी उन खलाफ हो नबी एक नबी फौत हुंदा सी दूजा उसकी जगह से खड़ा होता ईसा अलैहिस्सलाम तक ही रहा अनगिनत नबी आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी नस्ल चो इस तो जो असियां ने अल्लाह उदा दी रहमत कर दे इब्राहिम रदी आल ते की सारे नूं मिला के कि उन्होंने ते नबी पैदा किए रसूल पैदा किए इदां दी रहमत कर ये अगे भी सुन चुके मगर दोहराना कि कादियानी हजरात का सब तो बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं वो यही है कि रसूल करीम जो तुम आते कि आप आखिरी नबी है तो आप की उम्मत नबी बंद हो गए ये रसूला की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई रसूला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसल से नबी जमन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूला आ गए तो नबी करते बंद नबी पाक की उम्मत के पले की रह गया फिर मूसा की उम्मत चो इन्ने नबी हुए बहुत खतरनाक सवाल है अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी ने पढ़िया तो दीन समझिया भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है यह खतरनाक गल है ये कहो कि मनसबे नबूवत बंद है पोस्टिंग नहीं होनी हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ तो ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता काफिर है यह गल नहीं ये खत्म ये की है मनसबे नबूवत मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद जिम्मे इतने बहुत सारे लोग एम एस सी होने मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने अहुदा नहीं दिता अफसर नहीं वो रखवा सकते ना नहीं रख सकते वो हकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते मगर मरतबे के लिहाज ना कई खादम साहब ना आला होने तारीम जाफ्तर उम्मत च फैद नहीं बंद यार नबूवत दायमा इन कहना चाहिए इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है बिल्कुल कमाल मेरे की कमाल है दो अल्लाह गल करे उस जारी है ना लैके आख देंगे कि हाँ मैं नहीं कश मैं नहीं फिर कोई नहीं ऐसी गल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एलानिया फरमाया कि तुहाड़े तो पहलियां उम्मतां दे अंदर ऐसे लोग होंदे सी जिहड़े मुहद्दस होंदे सी मैनूं गैर आई कून अंबिया नबी नहीं सी होंदे मुहद्दस होंदे सी अल्लाह उन्होंने कलाम करदा सी और कलाम ते आम जिहड़े आलम ते गुजारा कुरान तों पता लगदा वे और सब तक ना कीता मूसा अलैहि सलाम की माँ से कुरान दा वही आई हज़रत मरियम से अल्लाह दा फरिश्ते जरिए कलाम होया वो जे उम्मत एडी गई गुजरी बैठे नहीं हुण कलाम होना तो पता बह गया फिर पल्ले की है मिर्ज़ा ही सच्चे नहीं थोड़की है इस तो कलाम जारी है रुत बस वो मनसब का दावा नहीं करना किसी नहीं कहना भी मैं नबी हाँ या लोगों को मनवावे या उम्मत बनाए जो इन्हें मिर्ज़ियां ने किया यह जुर्म है मगर उम्मत ही रह के इस दीन से चल के अगर अल्लाह का उत्ते नाम है हजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत जो होए उन्हें एक तो उम्र भी है ना रज़ी अल्लाह तआला फरमाया सही बुखारी और मुसलम यह मुहद्दस और मुकल्लम और मुफहम है ही कलाम जारी इन्हों तुम वही कह लो जो मर्जी कह लो एडी गल कोई नहीं मर्जी कह दें यार वही तो एडा पछताऊँ जे इन्ना तड़पते जे अल्लाह के बहुत रबो कह ला लादा ए उन्होंने हथियार समझो मुसलमानों को गल कोई नहीं आते अल्लाह आंदा शायद की मक्खी को वही की शायद की मक्खियां वही आने से संबंध नेक आदमी वही ना आवे बहुत रबो कह अल्लाह ने मूसा की माँ वही की कुरान का लफ्ज वही वही तो भी घबराने की लड़ नहीं जिस गल का रौला पाई ना वही दा ना इलहाम का ना कशदा रौला है भी कोई शख्स हूँ कह ना मैं नबी मुकर्र होया तो मेरे से ईमान लिया तो नहीं लिया काफर ये बंद ये खत्म है किस्सा तेनों अल्लाह गलां दसदा कोई पेशगोईया दस बिस्मिल रसूला दे उम्मती हूँ पर एक नाम है बई इस शक्ल जारी
کشف اور الہام کہہ لو، تفہیم کہہ لو، تحدیث کہہ لو، اللہ دے رسول نے نہ رکھے محدث مکلم فہم، کہ اللہ انہوں نے سمجھاؤں دا اور بڑے بڑے نقطے سمجھاؤں دا. سارا یہ ضروری نہیں وہ کہے مینوں اللہ ہی دسیا، مگر اللہ کی طرف آؤں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تفہیمات الہیہ پڑھیے، تفہیم 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 کہ خاص گلاں رب نے جو سمجھائیں، ایسے ایسے نقطے دین دے بندہ دنگ رہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ یار سمجھایا، ورنہ ایک قرآن حدیث اسی نہیں پڑھتے. اس تو یہ بھی نہ کہو کہ اس امت نام بند ہے، نبوت دا اعلان بند ہے. یہ من غیر تشریح کیا جاتا کہ ہن گدر سے اعلان نہیں ہونا کہ شخص نبی ہے، مان لے یہ فطور پہ یہ بھی تد روکیا گیا کہ ادو ضرورت سی کہ نبی آوے اور اپنا اعلان کرے. ہوں اگر اعلان کیا تو یہ ہونا نا بھائی وہ ٹائی ٹوٹر باہر ہو گئے، ساڈے نال نماز وکری کر لی، نکاح طلاق ختم ہو گئے، رشتے داریاں ختم ہوئی، امت بربادی ہوئی نا. یہ کام بند ہے، منصب نہیں ہون، یہ کوئی پوسٹنگ نہیں، مگر مرتبے کمال وہ سارے ملنے ہیں. اور یہ اگر تمہیں نصیب ہو جائے ختم نبوت، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تقی عثمانی کے بارے تین حصے لکھے، ختم نبوت فی القرآن، ختم نبوت فی الحدیث، ختم نبوت فی الاثار، اور ختم نبوت فی الحدیث ایک باپ بدا تد بوجھ اتریا، نہیں تو مرضی ہی ہو جاتا. میں انہوں نے آخیا اللہ کے بندے ہو نہ کیا کرو کہ کمالات نبوت بند ہے، کمال سارے جاری ہے، اعلیٰ درجے جاری ہے، صرف وہ شخص نبی اخوان کا ہونا ہے، امت ہی رہے، حضور کا پیرو رہے. کتنیاں حدیثاں دتیاں، کتنے حوالے دیتے کہ تسیں تے کمال نو روندے جے نبی رشک کرن گے، حدیثاں پڑھو کہ دن قیامت او ویکھ کے رشک کرو حضور دے مجھے ادھر نکل. اس تو کمالات نبوت دا انکار نہیں کرنا. اے حضرت مرزا ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آکھیا کہ خاتم النبیین دی اتباع دی برکت نال کمالات سارے ملدے، ایک کمال وی بند نہیں. نبوت جڑی نا کوئی اعلان کرے میں نبی ہے، اینوں کہنا ان نبوت دائمہ، ان نبوت منقطع. بند کیڑی نبوت؟ اللہ نہیں انہوں آکھنا کہ تو نبی. اس تو شیخ اکبر تہاڈے شہر بڑے مشہور ہے، مراد کلاس ہاؤس ہے، توحید کلاس ہاؤس، پت ہے حدیثاں دے مرکادیاں نہیں ہو. میں اس پنڈ سی، میرے بھائی سے اتنے لگتے اوورسیئر سے، انہوں کو رہتے سی، انہوں نے روز کھپ پائی رکھنی بھی یار تھی جنت ہو رہے ہو اگر تھد لے. مینو پنڈوں سدیا بھائی کر دینا بہ گیا رات بیٹھے، شہر کا جڑا سی مبشر مبلغ بنایا، انہوں آدھے شاہد، جنہوں ڈگری دینا نا جی پی ایچ ڈی، یہاں شاہد ہے. وہ شاہد بھی بلایا، لیبیا وغیرہ جی کام کرتا رہا جی. انہیں آخیا شیخ اکبر آتا کہ شریعت والے نبی نہیں آنے دوجے آنے. میں شاہد صاحب رب نو گواہ کر کے دسنا بھی تھی شیخ اکبر کا کلام پڑھیا، فتوحات ویکھی. انہیں خیر سچ بول کہ میں نہیں ویکھی، ساڈے علماء نے حوالے دے. میں یار شاہد کی ڈگری لی ہے، تو پی ایچ ڈی حال ہے، اصل کتاب نہیں تو ویکھ سکیا، کرن والی کرنا. شیخ نے کی کیا؟ شیخ نے صرف یہ کیا کہ رسول اللہ کی امت نو انعام سب ملنے، مگر اس دنیا چوں نبوت پوشیدہ. پھر شاہد اس دنیا بالکل نہیں پتا لگنا، نہ انہوں نہ کہ میں بچے چ لکھا، یہ اظہار ان اللہ جا کے آنا. ادھر جب مرتبہ نبی والا ہوا نا ملیا، انہوں کی سخت کڑا، ادھر پتا لگنا یار رسول اللہ کی امت کتنے پہنچ گئے. ایتھے کھول کے لکھی جاتا کہ کوئی نہیں دنیا چاہ اعلان، نہ کوئی پتا. میں اس کتاب نہ دھوکھا کر، اور میں بڑے بڑے پڑھیا، لال حسین اختر ورگے جمال ادری سی، کسی نہ پڑھی مردیاں دے جواب دیں رہے، کوئی گل نہیں انہوں بھائی پکا کری گیا انہوں. بھائی اصل کتاب پڑھو گے تو پتا لگو، اے اصل کتاب. جس تو مینو آدھے صوفیاں نہیں پڑھتا فلاں، میں نہ پڑھا تو تہاڈیاں نوں عیسائی ہو جاؤں، مردئی ہو جاؤں. ہر شہ پڑھی میں جاننا کہ اتنے مورچے لگے دا حل ہونا چاہیے. دوسرا سی بئی تو علاوہ نبی کی کرتا، قانون سازی شریعت دینا سی، حلال و حرام دستا سی، کیا اللہ نہ کرو نہ کرو. رسول اللہ تے کام بند ہو گیا، مگر اتحاد تشریح جاری، قانون بند ہو گیا. ہوں مسئلہ آ گیا سامنے کہ بھائی ہوائی جہاز نماز ہوں کہ نہیں، اس موقع سے جڑا خون دینا جائز ہے کہ نہیں، اے کام ٹھیک ہے نہیں، یہ کہڑے قرآن حدیث سے لبنا واقعات رک گئے. اگے تو اگے نویں تو نویں مسائل پیدا ہو، حل کی ہے ہوں؟ پھر حل پھرے ہوئے ہو اللہ نے نفات میں تشری قانون سازی دا ایک جڑا سی نا چلک نمونہ امت باقی رکھی. بہت بڑا انعام فرمایا کہ وہ نبی کام کرتا سی اور وہی نہ کرتا سی، محمد رسول اللہ دے خادم اجتہاد نہ کرن گے، اور جس اجتہاد تے پہنچن گے انہوں نے وہی ہو. اگر عالم اس اجتہاد تے پہنچ عمل نہ کیتا، اوڈا ہی دوست ہی ہے جنہیں قرآن حدیث سے عمل نہ کر رہا، بیمار آ کر اللہ نے انہوں سجایا مجتہد ہوئے. اے نہیں گاندھی ارگے دین بیچتے پھر عمر گزر گئی ہوئے، خدا دے دین تے عمل کرنا، نیک ہون، پرہیزگار ہون، ایمانداری سوچا، جن جتھے وہ اجتہاد پہنچا وہ شریعت ہے، اور جڑے انہوں عالم سمجھتے ہیں جنہوں کا یقین ہے کہ واقعی دیندار، انہوں لئی وہی تقدیر ان کی پیروی ادو ہی فرض ہے جیسے نبی دے حکم دی. ایڈا وڈا درجہ امت عالم کا، دو ہی شعبے سی، وہی اور تشریح دونیں چل رہے،
उधर इल्हाम और कश्फ चल रहा, इधर इज्तिहाद दे रंग चल रहे, मुज्तहिद इज्तिहाद कर दिया, मुज्तहिद दीन ली जो वही है उन्होंने पैरोकारा ली वही बिल्कुल वो गलती से उनके दो अजर एडा इनाम रसूला की उम्मत ये मैं सिर्फ सफ़े लिखवा देना, ज़्यादा वक्त की जरूरत नहीं। यह जरा समझो अठवीं जिल अल फुतूहात अल मक्किया और ये अंदर ही शेख ने बाप सारा लिखा दरूद शरीफ का ही कि रसूला वैसे तो अपनी जात हज़रत इब्राहिम अफसल मगर जो मिला के वेख्या जाता है इब्राहिम रोदी यार क्योंकि उधर नबी है रसूल इधर है नहीं गे इस तो फिर मैन है सुर मजबूक कर लिया मगर वह हल अल्लाह पाक ने इस तरह कर दिता वर्त व मरतबा तुन बुआ बारे सारा तो कदर तफा शायद फिर दुनिया दुनिया से मरतबा खत्म हो चुका इतने हम किसी नहीं हैरान करा ना अगर पता लगना ए साफ लिखा इतने नहीं अंदर सारे कमाल आ उत्थे नबिया की सब चीज होना मगर फिर दुनिया इतने ना वो आप कह सकता ना किसी को लगना पता ना वो दस सकता बिल्कुल इन्होंने चीज़ा कोई हुक्म नहीं। फिर अगे शराय जाहिरा भी दसिया कि बेमरतबा दिन इन अल्लाह अल्लाह के कोल जमें कुरान आखना शहीद अल्लाह को जिंदा इतने तो मरे पै उन्हों की बीवियों के असं निकाह कर दिते उन्होंने जायदादा बनती उन्होंने कबर बनाती मरे नहीं हो मगर अल्लाह उन्हें उत्थे दिंदा इस अल्लाह को नबी है इस दुनिया नहीं उन्हों का किसी को पता नबी होने का ना कोई होर यह सारा मिर्दियां ने खा लिया शेखे अकबर ही उन्होंने को हैगा यो पढ़ पढ़ सुनाते हिस्से खाई जाते बिल्कुल हिस्से खाई जाते सुमैन खसा दिल मता नहीं माह बयान शरा लमर इतिहाद फिर हकाम व कर रहा हुक्म मारदा ले इतिहाद ए समझो मैं 176 तो शुरू किया 179 आते जिमें रसूला तो पहला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल सिर्फ नबी नहीं पैदा किए अल्लाह ने शहादार रोम रसूल भी भेजे इस तरह अल्लाह ने इस उम्मत को इसके आलमा ने एक खास दर्जा देता कि अहकाम इत्तेहाद करना अपना जोर लगा देना ईमानदारी ना कि रसूला का दीन पढ़ के यार सानू आ समझ आई आप दे मिजाज जी मैं जे गल हजूर को पेश आपने हल करना ये उम्र पर उस आलम की मेहनत हो सकता गलती खा दे मगर वो बिल्कुल उन्हें जो मिजाज नबी समझा उसे मुता आंधे उलमा के इतिहाद में अल्लाह ने जायद रखा और जिथे उन्होंने इतिहाद पहुँचे उन अल्लाह ने कानून मनिया व तबद हम बेई व तबद मन कलद हम बेई उन्होंने भी हुक्म आया तो तेरे इतिहाद से अमल करना तेरी लाजमी जी इतिहाद की मिसाल समझ लो कि जंगल होवे ब्यावान होवे को परेरा होवे ना दसण वाला ना उत्थे आबादी चार पांच बंदे का रौला पै गया किबला किधर है नमाज पढ़नी उन्होंने अपने अपने इतिहाद किए हरी सब ने जोर लाया तो मैनू यार इधर मारो मुझा जिधर वह गवेर गया मेरा चढ़ते गया मैं लेंदे मुँह करके पढ़ ली हालांकि काबा उधर है मेरी नमाज नहीं है मेरा इतिहाद तो दस दस के बला इधर है हालांकि पढ़ी सही से मजरू हाँ दीन ने नहीं मानिया उन्हें आख्या तू बिल्कुल गलत और दूजा ने जरा सी बिजर पढ़िया चवान पासया ही पढ़िया सब का मनिया इतिहाद के मेहनत कर चुके कमा काना हुक्म शराइल लंबी आए कले दिन जैसा कि हुक्मां दा अल्लाह के नबियां दियां शरीयतां दा हुंदा सी ना उम्मत दे उलमा दे इतिहाद दा वो दर्जा हो गया कि वही दे बराबर वलम यकुम मिसलु हाज़ा उम्मत नबी मालम यकुन नबीयुम बिवाहिम नज़र ऐ वेखो मुहम्मद रसूला दा दर्जा शागिर्द उम्मती फरमाया किसी उम्मत का दर्जा नहीं सी जदों भी हुक्म हुंदा सी वही आउंदी सी नबी वही ना दसदा सी कोई इतिहाद नहीं सी फदार अल्लाह वही उलमा हाज़िर उम्मत इतिहाद कमा कर नबी सलम अल्लाह ने इस उम्मत दे उलमा दी बई इन्हों के इतिहाद च रखती जैसा कि कुरान मजीद ने आख्या सूरा ने साले तहकमा बैनना मार रख लो इतने कुरान हदीस तो हट के हजूर ने आख्या कि लोगों फैसले तू कर उसके मुताबिक जो अल्लाह तुझे सुझाए सुझाए पता लगा इतिहाद भी नबी का सी जरा वही दे बराबर से फल मुजद मार अल्लाह इतिहाद ही इस तुआ मुजद अपने इतिहाद जो फैसला करता उ जरा अल्लाह ने उन्होंने दिखाया उन्होंने सुझाया जरा सही है दीन फरोशा की गल् नहीं और जरा हूँ इतिहाद हो रहा टीवी से आ रहा फैला रहा दानश्वर ये मैं किसी दिन पढ़ूंगा इकबाल ने एडा आलम हों दुआई दी इतिहाद आलमा ने कम नदर इकतदा बर रफ्त गां सलीम दर के जेडे दीन वेचने वाले इना मुराद इलम बेचते फिरते हैं इन्होंने जेडे मर गए ना इमाम आलम उन्होंने पिछे लगना बेटा दनाई की गल वह दीन फरोश नहीं सी उन्होंने अपना इलम नहीं सी वेचया गलती भी लग गई उन्होंने तो उन्होंने गल् जी इखलास से मबनी ये ठग गया कट्ठे हुकूमत को खुश कर ली कि दिन पर्दा गया कि दिन मौसीकी जायज हो गई कि दिन नचना गाना जायज हो ये मुश्किल है ए सारी फसल जड़ी लिखियाँ और फले आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मरतबत इन अल्लाह अल्लाह के को नबूवत दा दर्जा है इस दुनिया च नहीं क्यों कह नबी असी तज़हरु फिल आखिरा
उत्थे जाके दौरा तद मैं पढ़िया अज तक मेरे पंच कोई मौलवी नहीं दस सकया इबने अरबी की क्या आप फसे फिरते तद मेरे उत्ते सवार होए आंदा इस दुनिया कतल नहीं दार होना कोई ना उन्होंने पता लगना तो ना लोग कहे नबी तदर फिर आखरा उत्थे जाके दार होगा माड़ा हुक्म फिर दुनिया इस दुनिया से कोई हुक्म नहीं लगना इला हादल कदर इतिहादल मशरूल हम सिवाए दे कि इतिहाद जरा ठीक है कि इतिहाद अगर आलम करे इन्ना का आम लोगों को पता लगेगा कि नहीं इतिहाद की उस आलम का हुक्म मनन फरम या चहदू फिर दीन वाला काम इला बमर मशरू मिल दिला अल्लाह ने जी उन्होंने इजाजत दी है कि दीन भाई रुक नहीं गया गांह तो गांह मसायल आने इतिहाद करो इतिहाद का ही नमूना कम आशा सदीका रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर रसूल इस दौर चुंदे हजरत महावीर जमाने फौत हुई दो साल रेंगे मगर तबाही हो चुकी थी दीन की बजाय कुछ का कुछ शुरू हो गया सी औरतों के लक्षण बिगड़ गया सी अम्मा ने फरमाया सही बुखारी मुस्लिम अज अगर रसूला होंगे औरतों की हरकत वेखते मस्त चोना इन्हों का रोक देंगे इन्हू इतिहाद क्या जाता क्या आलम अकल करे कि दीन का मिजाज की दसता अन्ना लाठी चलाई जानी देखे कौन इस मसले का बिगाड़ पैंता या इसलाह होंगी वाला अम्मा फिर शेख आखिर ते लिखता क्योंकि यह भी ख्याल है कि आल च हजूर की उम्र के सारे नेक लोग शामिल हैं मगर नाल लिखता फैन तफा कहीं कौन आखद मेरा हल बैत बिहाजिल मुसाबत मेरा इल मेवर इतिहाद वाला महाजिल मरतबा ए दुआई खुदा दी छड़ दो शिया के रद जरा बैर पै गया जा रहे बैत आंदा अगर ऐसा इतफाक हो जाए कि कोई अहर बैत चो रसूला की औलाद चो भी इस मरतबे का होवे कि वह इलम भी इन्ना हो इतिहाद भी हो और ये मरतबा उन्होंने नसीब होवे कल हसन वल हुसैन व जाफर वगैरह जैसे कि हसन और हुसैन और इमाम जाफर साहब के दूसरे फक्का जम बैन अहले वलाद आंदा उन्होंने दोहरा दर्जा पा गया कि अहल भी है हजूर का कार और नाल आल भी आंदा आल जो उम्मत भी बनानी है नेक लोग वो आल भी है तो अहल भी है तुम निरी आल में बुलाते रहेंगे जे जे नाल आल बैत भी उन्होंने क्यों नहीं लेंगे ए कुछ सफे मैं पढ़ते बहस सारी ऐसी है कि फोटो स्टेट करके बनया जाए जे मिर्दियाँ का इलमी रद्द करना तो जे हो फतवे दे दो काफर फलाना है कोई गल ए दूर ही होंगी दुनिया एक भी हदायत नहीं पाँच मिरते रोंदे आ बेचारा जाता बशर अहमद में मिलता उत्थे कालू जाके रवे तो करो रोटी खाँगा यार दोस्त है सारे गल करनी होंगी इलम ना रोटी खाँगा तो रोटी को हराम है जब गल नहीं आई आते हाँ लोगों ने ना के दस ना मौली साहब के सामने यार बोल भी नहीं सके आते है मेरे को बड़ा मगर मेरे दियाँ के खाने खाँगा दसो मारू गुटना फूटे आंख मेरे दियाँ का खाना खाँगा मैं मान गया रसूलों ने यहूदियों ने नहीं खाधे बुखारी शरीफ नहीं खेद तो मरद ने ईसाई औरत के मटके से पानी लैके कोई अकल की गल करो इंसान नहीं लोग उन्होंने इंसानी सलूक करो मसायल चज ना समझा यह दो माने तुहाड़े सामने इख्तसार ना आ गए बहुत उमदा और आला कि अगर माना तशबीह दा करना उदा की रहमत कर जिदा की इब्राहिम और उसकी आल ते की दो माने कि अल्लाह दे रसूल नू और आप दी आल नू भावें उम्मत दे आलम है भावें आप दा खानदान ऐसी मकबूलीत दे एडा दिलां च उन्हां दा प्यार पा दे कि सारी दुनिया रसूला दे दरवाजे ते आ जाए कलमा नसीब इस्लाम की कामयाबी और गलबे की दुआ तो दूजा यह होगा कि अल्लाह जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते उसकी आल ते तू रहमत की उन्होंने नबी आए रसूल आए इस उम्मत के अंदर भी लोगों को दर्जा दे उन्होंने कलाम होवे इलहाम उन्होंने अल्लाह ताला इतिहाद की तौफीक दे दोवें माने ठीक हूँ गल भाई वो आ गई कि क्यों दे माने क्योंकि माना यह खत्म हो गया जैसे वाला यह माना आ गया कि चूंकि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत की क्योंकि अगे कर चुका सारी दुनिया शोहरत इतने फिर कायदा आया कि यह जरूरी नहीं भी जी जरा हवाला दिता जाता वो अफजल होवे अशर होना जरूरी है कि ज़्यादा मशहूर गल दुनिया सारी जानती है वो मिसाल देती जाती भावें शायद तो आला ही हो जी हम मिसाल देने मगर अशर होना चाहिए तो फैली होवे मैं कैसी शायद मिसाल दें जिन कोई भी सुनने वाला नहीं जानता कल ही मिसाल वो नवी बहस चल पेगी पहला समझाओ मोर जी की गल सी कितने कख भी असर नहीं मिसाल वो देनी चाहिए हवाला वह देना चाहिए जरा दुनिया चर्चा क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलत जड़िया रहमत सारा पूरी दुनिया शोहरत है यहूद नसारा मुस्तद कि क्योंकि क्योंकि तूने इब्राहिम रस्ती आल पर रहमत की थी इसलिए रसूला पर भी कर किस दर्जे की किन्नी उची वह बहस फिर नहीं हवाला फिर और ये हजरत इमाम दैनुलाबदीन अलैहिस्सलाम का एक दरूद मैं पढ़ूंगा यहोजा दरूद याद करा करो कि इमाम फरमाउंदा चूंकि रसूला का बच्चा जो है लोग जो मर्जी फतवे देंदे ने मामे शाफी रहमतुल्लाह ने आख्या जाके मिनाज खड़े होके आख दो हाजियां दे मजे इन कान रफदन हुब्बो आले मुहम्मदन फल यशद सकरान नी राफ जे रसूला दे खानदान ना मुहब्बत करना कोई आदमी शिया राफजी हो जाता ना तो जिन और इंसान गवाह बन जाओ दिन क्यामत शाफी शिया मैं यह शीए तो क्यों बेदारी का इजहार करा
जेडे झूठे और बेईमान होना मैं ही भुगता, मगर यह कोई गल नहीं कि रसूला की आल ना दुश्मनी की जाए। जिमें शेख लिखता कि जे उन्होंने चुके इस दर्जे में पहुँच जाए तो दो गल्ला कट्ठिया, वो अहल भी है आल भी है, उन्होंने क्यों नहीं मैंने अदब करो पढ़ो सारे का। तो इमाम तालीलिया क्यों के दे मन च बोल रहे अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाले कमा हदायता नबे, इतने हम ये तस्बीह वाला माना ही नहीं बनना कि अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर हमसे भेज क्यों हवाला दे रहा, भी ये दुआ करते मैं इस तो मजबूर हूँ कमा हदायता नबे, क्योंकि उन्हीं के जरिए से तूने हमें हदायत दी है, क्यों के दे मारे कि असी मजबूर है आपकी खैर मंगन से कमा हदायता नबे, ये जैसे थे कि माना उन्होंने क्योंकि अल्लाह रसूल और आपकी आल पर रहमत भेज क्योंकि तूने हमें उन्हें की दरिया हिदायत दी। ये एहसान अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाले कमा हिदायत सल्ले अला मुहम्मद वाले अगे फिर हूँ जहन चुन निकलिया आंदा याद कर मकसद तालीलिया। एक मशहूर वाक्य का हवाला दे के कहना कि अल्लाह क्योंकि तू आ कम किया, जैसा कि एक दुआ वह भी ईमानदार लाभ नहीं दी है कि परेशानी में फंसे तुम्हें मैं सब परेशानी में फंसे कोई बच नहीं सकता, ये मखलूक होने का ठप्पा है जोड़ा परेशानियों तो बच गया वो फिर खुदा है, खुदा तो सा कोई परेशानी तो नहीं बच सकता भावें किदा की हो, मखलूक होने की अलामत है मुमकिन का खासा है कि वह बेचारे को कुछ है मर्जी की मिलनी है कोई नहीं मिलनी, योजे उन्होंने जकड़ के खुदा ने रखिया। अल्लाह कैसा है जरा फ़ाल उलमा सुभान अल्लाह तआला जो करना चाहता कर ली, उन्हें गमगीन क्यों होना उन्होंने कोई परेशानी साढ़ा यो हाल परेशानियाँ। फिर वह बाद इतें ही दुआ करदे करदे लिख कहिंदे फिर आखिर का फिकरा अल्लामा फकमा अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाले अल्लामा फकमा फलकतल बहर आले मूसा अलैहि सलाम अ कमा क्योंकि दा हवाला दिता कि जैसे तूने मूसा अलैहि सलाम के लिए क्योंकि मूसा अलैहि सलाम कौम जड़ी सी फिरौन तो नट के आए हैं, फिरौनी सवेरे जागे उन्होंने वेख्या रात रात ही मूसा अलैहि सलाम लैके निकल गया, यही साड़ी विगार करते टट्टियाँ साफ करते बेचारे बहुत जरील जिंदगी गुजार रहे कौन कम करूँ, हुक्म देता सारी सल्तनत हरकारे दुरा लैके लश्कर निकलो और पिछा करो और फल लो इन्होंने जिते दिन चढ़ दिन मूसा अलैहि सलाम उन्होंने साथी जोड़े से अगे समुद्र आ गया बैरे कुरू पिछे लश्कर आ गया 6 लाख बंदा हूँ सर सैयद वर्गे उठे दूजे सर सैयद तो ज़्यादा मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं है, खुदा का नाम मनो इस मुल्क में बहुत फराड होया और किताबा परतियां सर सैयद नाम का मौसले कौम क्या मौसले कौम है इस मुल्क में अंग्रेज़ का गुलाम बनाने चाहता ही सारा हिस्सा और मुसलमानों से गैरत खत्म की और इन्होंने बेईमान बनाया और कुरान की गलत तावीलों धरी नहीं जी कोई समुद्र नहीं फटिया बस जो मूसा अलैहि सलाम गया पानी उतरिया जो फिरौन आया उस चढ़ गया तो डुब गया कोई समुद्र और कुरान कहता सोटा मार फन फला कर बार समुद्र फट गया पकान कुल ठठा बना लिया और इन्ह जालमान ने अंग्रेजा ने और चोली चुका ने आख्या जे मुसलमान असल लीडर पहचानते रहे ना जे फांसिया से चढ़े से तो ये तो मुजाहिद रहेंगे इन्हों के हीरो उन्होंने बनाओ जिन्होंने जड़ वड़ी वो ऐसा किताबा लिख दौ कि उन्होंने मगर लग परवेज वर्गे जमे गांव की सारे बरकत है वो सर सईद एक कम चजदा नहीं किया दीन बर्बाद किया और दरम्यान चाह जाए गल कि एक एडा वड्डा झूठ जरा कई सौ साल तो लोग बोलते होंगे कि उलमा ने आख्या कि अंग्रेजी जबान पढ़नी हराम एक आलम का फतवा खाने इन ठगा ने शैतान के पुत्रां ने उलमा को दलील कर रहे कि आलम चाहते अंग्रेजी पढ़नी नहीं थी किन क्या मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह सब ने आख्या कि जुबान सीखने की है जुबान सारिया खुदा दियाँ मगर जुबान के नाल कल्चर ना आ जाए वो काफर वाले तरीके रस्म रिवाज सारे उन आ गए बड़ा खतरा जुबान में किसी बंदे नहीं आख्या मगर इन्हें आख्या झूठ ना फैलाव तो उलमा की दाड़ियाँ किवें खोवेंगे उलमा को जरील कर खुदा का नाम मनो असल किताबा पढ़ो ठगी हो चुकी है उधर मुस्तफा कमाल अतातुर्क बनया हुआ दीन का दुश्मन अरबी जुबान खत्म अजाना खत्म सारे परदे खत्म जिन्हें बेईमान से ना काफर के एजेंट उन्होंने अगे कर दिया दीन के लोगों को बदनाम करता तबाह करता कोई चीज नहीं दीन के दुश्मनों दी गल तो दरम्यान गल मूसा अलैहि सलाम आया आंदा जी समुद्र नहीं फटाता तो गल आ हूँ पिछे एड्डी वड्डी फौज अगे समुद्र लोगों ने की आख्या कुरान पाक का मूसा इन्ना रमुद रखूँ असी तो हम फड़ेगा हूँ तो भजन राह ही कोई ना रहे हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस वक्त रब से ईमान इन्ना माया रबी सहादीन मेरा रब मेरे नाल आपे कोई तरीका सुझाऊगा वही आ गई कि मार लाठी समुद्र समुद्र से मारी समुद्र फट गया और अल्लाह आंदा भी नहीं सर सही है तेनों अकल होंगी खुदा का खौफ हों तू आंदा और पानी उतर जाए तो सुकी सड़क निकलियाँ तरीकन यबासा फट गया समुद्र सुक्का रस्ता रब ने बिचों की कर दिता लंघ तो मूसा अलैहि सलाम मुड़ के लाठी मारन लगे भी मिल जाए अल्लाह ने आख्या ना उतरों को बहरा रहा इन्हू इदा ही रहन दे इतना तो काम अधूरा रह गया तुम बच गया तो भी बच गया आन दे अंदर
आ गए सारे समुद्र मिल गया सारी तबाही। इमाम उदा हवाला दे कहना अल्लामा फक मा फरक तल बहरा ले मूसा अलैहि सलाम वाहली। ए दुआ याद कर लो जे फंसे जे मुसीबतों ए अल्लाह क्योंकि तूने मूसा अलैहि सलाम और उसके उम्मत के लिए समुद्र फाड़ दिया था जैता उम्र अलगाम और उन्होंने मुसीबतों चो कढ़िया इस तो साढ़े लिए भी जल्दी ना ऐसी मुश्किल कर दे मामला फर्ज ना जल नगैरा देर ना हो फौरन साड़ा मसला हल। टुकड़े में पढ़े क्योंकि तेजी फिर कई चीज़ें देन नहीं ये बाद मेरे को लिखवाया करो क्योंकि तकरीर खिताबत हुई इस जोर पता नहीं किधर का किधर चला जाना दरूद और दुआ जी इमाम दैन कमाल आई इस पर दुनिया जो मर्जी कहती रहे इस बंदे खुदा कोई मनवा नहीं सकता ना कोई फतवा तो ना कोई रिश्वत ना मस्जिदा इमामता वगैरह इतने गल ही है हवा है गो तुंदो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए है अंदाज खुसरवाना। मैं भुखा रहा नंगा रहा मेरा बादशाह ही दिमाग है मैं ना लोगों के अगर चुकने चुकने वाली गल नहीं मसला करूँ हवाला लौत हवाले। यह दरूद शरीफ के बारे मुख्तसर बयान हो गया बहुत मुख्तसर होया मगर दो माने हो गए कि या ऐ अल्लाह मुहम्मद उनकी आल पर रहमत भेज जैसी रहमत तूने इब्राहिम और उनकी आल पर भेजी। इसे जैसी से फिर आ जाना कबूलियत आमा और आप इतिहाद और इल्हाम और कशब तो या क्योंकि माने से क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल से की मशहूर है इतने ही साढ़े पैगंबरे खुदा से भी कर दे अल्लाह मैनू और तुहानू अपने रसूल का सच्चा मुहिब उन्होंने ताबेदार बनाए दीन का खादम बनाए। एक एक बंदे के दिल से अग लग जानी चाहिए थोड़े चो कोई जरा वह बेटा मर रहा हो कितना परेशान है कितना दौड़ा फिरदा हूँ हार हो गया जे हर कसे बाकार खुद बा दीन अहमद कार ने ए रो के मैं आख रहा कि हर बंदे हर काम का फिक्र है मगर इस गल का फिक्र मुसलमान बिल्कुल नहीं रहा कि रसूलां दे दीन का की हाल हो उम्मत छड़ बैठी इनू इसे गलों फसी है आमीन उची होना चाहिए नबी इस गल आया इन्नी कसर सी दुनिया बिगड़ी सी मुआशरे खराब सी पैगंबरे खुदा ने आके दुरुस्त किए ऐसा निजाम दिता ऐसी छतर छां घना दरख्त जे थले अमीर गरीब मुस्लिम काफर सोखना वसन लग पाए और जो आपने हजरत अली बिन हातिम ने कहा कि वक्त आऊगा सना तो लैके हजरत मौत तक औरत हाथ सोने का थाल लैके सबर करूगी कोई अरब छेड़न वाला नहीं। उन्हें आख्या जी बनू तय दे और बनू गिफार दे डाकू किथे जाएंगे फरमाया इत्थे ही रहेंगे इस्लाम का जोर होगा वह गल कोई नहीं रही बर्बाद हो गया अपने मुल्कां च हो गया और करी जाते हुक्मरान जी दूजे वो किसी को गम नहीं ना कोई सोचता यह झगड़े द लड़ाइया करी जाते हैं और काफर का काम सौखा करी जाते तो मरण की लड़ नहीं असं भाई आप एक दूजे वढ़ी जाना जेडे काम करना चाहते उन्होंने एक काम मुबारक हो जाके खुदा जवाब देंदे दे। मेरे को इन्होंने कामों की बिल्कुल कोई वक्त नहीं मैं साफ आना कमत के सारे ग्रोह मुस्लिम हैं अल्लाह के रसूल के मनण वाले है उन्होंने जनाजा जायज है उन्होंने पिछे नमाजा जायज है उन्होंने कहा रिश्ते जायज एक भी ग्रोह जरा मुसलमान का सिवाय कादियां बदबख्तान के आपे जुदे होगा वरना कोई ग्रोह जरा काफर का खुद अपने बारे फिक्र करे अल्लाह के रसूल ने आख्या किसी कलमा गुरु जरा काफर कहता वह आप से हो ही जाता इंसान बन के मुहब्बत करके प्यार ना रब के रसूल के दीन फैलाओ वाखिर उदावन अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन फुतूहात मक्कीया जिल्द 8 और यदा सफा लिख लो शाबाश 176 तो रह के 175 तो 183 तक अच्छा किया हवाला जरा नोट हो जाए बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद मेरे दोस्त जंग खतीब है आप भी आए थे वो साथी भी आया से वो साथी ने दोनों जमा पढ़ा से इस तो नहीं आया मगर वह नुमाइंदा आया ये तुहाडे सामने इत्थे मस्जिद मौजूद है बिल्कुल अपने काबिल एतमाद साथी और वालद बेचारा बीमार हो गया बहुत सारा कर्जा उत्ते चुकया आप भी परेशानी बहुत मकरूज हो गया आलम तंग आके बेचारा आया नाल ही सिफारिश लैके आया इस तो मैं कई ऐलान जो उन्होंने पिछे पा के आख्या भाई पहला तुहाडा ऐलान करांगे इस तो रब का नाम मनो अज के दिन जरा ना जो कर सकते जे अल्लाह तौफीक दे उस आलमे दीन की मदद कर दे कई पारों मुझसे क्या क्या और आदे आदम है रसूला का उम्मती है फिर आलमे दीन और खतीब है वह हक बनता तो तुम अपनी जेबा चो इमदाद कर दौ जो कुछ हज़ार इकट्ठा होकर वो को चला गया शायद वह दिल मेरे तुम्हारी किनिया दुआं करूगा इस मामले कोताही ना करो जो आपने उम्र में ऐसा सिकर फरमाया तक नार बलाओ बशिक तमरा
ऐसा अगर किसी वक्त ज्यादा ना दे सके खजूर का टुकड़ा ही अद्धा देना नसीब हो जाए, यह भी दे दिया कर, की पता क्या आमद दिन तेरी नजात दो बास बन। इस तरह इन्ना मजमा है कोई दस दस पंद्रह पंद्रह सौ सौ पचास भी पाओ तो कई हज़ार जमा हो जाना इंशाला उस आलमे दीन की खिदमत जी। अल्लाह के रसूल के दिल में ठंडा करने वाली गल कि मेरी उम्मत एक आलम का अदब किया, पर अल्लाह तौफीक दे कर दियो। मेरे उस भाई ने अपनी सिफारिश लिखी खुद नाल लैके आया सी, अल्लाह तौफीक दे कबूल फरमाए। इजमा परसों पंद्रह रोज़ा इजमा जरा तहरीक इस्लामी का होंगे, तहरीक इस्लामी का इजमा परसों बरोज इतवार मुरखा 27/5/2007 शुरू होगा। वक्त 8:30 ता 10 बजे सिर्फ 1.5 घंटा अहबाब शिरकत फरमाए। अहबाब साहब ने तद 1.5 घंटा सिर्फ लिखना पाया तो सारे धंधे दिन रात नठे फिरते सिर्फ 1.5 घंटे कि 7 दिन एक 1.5 घंटा कर लो तो मस्जिद आके बह जाओ, कुरान का दर्स सुनो, हदीस का सुनो, सवालों के जवाब सुनो अपने, तो किन्ना फायदा और बरकत हो। मगर तुम होर कमां इतवार गुजार देना हों दीन लिए सिर्फ जरा जिस तरह मेरे भाई ने सिर्फ 1.5 घंटा यही नहीं अगर देना तो अल्लाह और रसूल अगर क़यामत दिन पूछा भी होर तो सारा तफरियां मनाने है सी, एक 1.5 घंटा तुम मस्जिद मेरे खातिर नहीं आए। अल्लाह तौफीक दे तो आ जा करो। सैयद इमरान शाह और सैयद इरफान शाह के वालिद मोहतरम सैयद अमीन शाह साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआए मगफरत फरमा दें, बीमारों के लिए दुआ शिफात अल्लाह जात बैर कुरे अपने भाई से अल्लाह ताला उन्होंने भी जन्नतुल फिरदौस दे और बीमार जड़े उन्होंने भी करनी है। एक बिल्कुल अपना अजीज से अब्दुल हफीज आउंदा सी जुम्मे ते मगर वो भी बीमार हो गया, हुणी मैंने दस्या जी मुस्तफा ने लाहौर लै गया उसके मामू, तो अल्लाह ताला उन्होंने भी शिफा दे तंदर बाकियों ने भी करना। यह की है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद में आप खुद भी तो शामिल हैं, गोया आपके लिए हम दोनों तरफ ही दुरूद की दुआ मांगते हैं और आपकी आल पर मैं भी और इब्राहिम और उनकी आल में आपको भी आ गोया एक अफजाइश में से एक और गोया नाकाबिले तसव्वुर। बिल्कुल तसव्वुर ठीक, क्योंकि चूंकि रसूला भी औलाद इब्राहिम की आँदे हैं मुड़ के भी दुआ हुई तो फिर ये हो गया जिमें भी बिचे पा के फिर बहुत बाकी गल मिला के इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप भी आल बिचे रसूला फिर वो कि ज़्यादा मकदार हो जाती है। बहुत अच्छी बात, ये भी कोई गलत नहीं गल। आपका नवाजी और पुराना साथी जफर सिद्दीकी तकरीबन 1 साल पहले एक्सीडेंट में टांग टूट गई, जो अस्पताल में जेर इलाज है, आखिर फैजयाब ना हो सके रहे, 13 मई के वफात पा गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए दुआए मगफरत करवा। बिल्कुल जोड़े साथी जा चुके हैं उन्होंने हक बनता वैसे उन्होंने याद करिए उन्होंने दुआ करिए। मौलवी फकीरुल्लाह साहब का पिछली बार भी ऐलान से फिर उन्होंने बेचारा ने लिखा कि बंदा आज पर शफकत फरमाए क्योंकि सीमेंट पड़े हुए के एक माह हो चुका है, ख़राब होने का ख़तरा है, मेरे पास वसायल नहीं कि मैं मकान मरम्मत करूं कर सकूं, गुज़श्ता जुम्मे में कोई मदद नहीं हुई, आप खुसूसी तवज्जो दें, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। पिछली बार भी किया कि अपना साथी पुराना साथी पिंड के होंदिया का मेरा साथी है, अल्लाह का नाम मनो कोई 10-12 हज़ार नगर वह मकान बच जाए, एड्डी वड्डी बिल्डिंग है तो बड़ी मामूली जी गल है, कर दो एक बंदा जाके पता करो और मौलाना का काम जरा हो जाए इंशाअल्लाह अजर अजीम का बायस होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी वाज़वाज उम्महातिल मोमिन वज़ुर्रियतिही वाहले बैतिही कमा सल्ली तआला अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिन वल अमवात إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.